राजधानी मॉस्को में बीते 15 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराते हुए दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। भले ही फ्रांस ने फीफा का खिताब जीता हो, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ दी। फ्रांस की टीम ने चमचमाती हुई ट्रॉफी जीती, लेकिन दूसरी टीमों से कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे जिन्हें उनके प्रदर्शन के दम पर अवार्ड मिला। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 के इस मेगा इवेंट में किस खिलाड़ी को क्या अवार्ड दिया गया। यंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप। इस टूर्नामेंट में यंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप यानी सबसे शानदार युवा खिलाड़ी का अवार्ड फ्रांस के एम्बापे के नाम रहा। 19 साल के एम्बापे ने अपनी फर्राटा स्पीड का जलवा दिखाते हुए इस वर्ल्ड कप में कुल 4 गोल दागे। गोल्डन बूट। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का सबसे बड़ा अवार्ड यानी गोल्डन बूट का अवार्ड इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन को मिला। उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 6 गोल दागे। गोल्डन बॉल अवार्ड। भले ही क्रोशिया फीफा वर्ल्ड कप 2018 के खिताबी मुकाबले को हार गई हो, लेकिन पहली बार फाइनल में पहुंचने के लिए कप्तान लुका मॉड्रिच का सबसे बड़ा योगदान रहा, इसीलिए उन्हें इस वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, जो वर्ल्ड कप के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के नाम जाता है। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। गोल्डन ग्लव्स यानी पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड। बेल्जियम टीम के गोलकीपर थिबॉस कर्टोइस को सबसे शानदार गोलकीपर चुना गया और उन्हें गोल्डन ग्लव्स अवार्ड दिया गया। फीफा फेयर प्ले। 2010 की चैंपियन और क्वार्टर फाइनल में बाहर होने वाली टीम स्पेन को इस वर्ल्ड कप में फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी दी गई।